hi guys welcome back to my youtube channel and i hope in great health guys so in this video we are going to predict 20th may IELTS exam so before we start the video guys please hit the subscribe button and don't forget to share this important video with other students as well so let's begin the video guys so starting with the reading academy in passage 1 you can expect questions like फिलअप बेस्ट क्वेश्चन एंड फॉल्स नॉट गिवन तो यूजअली जो फर्स्ट पैसेज आता है वो ज़्यादातर ईजी होता है तो मेक श्योर sure कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो ताकि आपके ओवरऑल जो बैंड स्कोर होगा रीडिंग में और जो आइल्स का भी वो हो होगा सो मूवी फॉरवर्ड टू द सेकेंड पैसेज इन सेकेंड पैसेज यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन लाइक विच पैराग्राफ कंटेंट्स विच इनफॉर्मेशन एम सी क्यूज एंड ट्रूफॉल्स नॉट गिवन तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं सेकेंड पैसेज में एंड इफ़ यू टॉक अबाउ द पैसेज थर्ड इसमें हमारे पास आ सकते हैं यस नो नॉट गिवन फिलअप बेस क्वेश्चन एंड मैचिंग टाइप क्वेश्चन तो ये कैटेगरी रह सकती है अगर ओवरऑल लेवल की बात की जाए रीडिंग का तो इस दिन जो रीडिंग का लेवल रहेगा रहे वो रहेगा ईजी टू मॉडरेट गाइज सो जैसे मैंने पहले बताया कि जो पैसेज वन ज़्यादातर वो ईजी हो जाता था तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना सो हैडिंग टूर्ड्स द लिसनिंग मेड्यूल इन पार्ट वन एज यूजल हमारे पास रहेंगे फिलअप बेस क्वेश्चन जो रहेंगे वन वर्ड गाइज इन पार्ट टू हमारे पास आ सकते हैं शॉर्ट एमसीड मैचिंग टाइप क्वेश्चन इन पार्ट थ्री हमारे पास आएंगे सिलेक्शन ऑफ लेटर्स एंड लॉन्ग एम तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट और लॉन्ग एम की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना गया तो क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत होती है लिसनिंग में एम uh, को सॉल्व करने में सो मेक श्योर आप शॉट और लॉन्ग एम को दोनों को फोकस करें दोनों पर टाइम स्पेंड करें इन पार्ट फोर हमारे पास एज यूजल फिर से आएंगे फिलपिस क्वेश्चन जो रहेंगे वन वर्ड गाइस अगर लिसनिंग के ओवरल लेवल की बात करी जाए तो इस दिन जो लिसनिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा ईजी टू मॉडरेट गाइस जो स्पीड भी रहेगी वो नॉर्मल पेस रहेगी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी बट मेक श्योर जो डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें जैसे अमेरिकन एक्सेंट हो गया ब्रिटिश एक्सेंट हो गया कैनेडियन हो गया तो इन सब की आप प्रैक्टिस जरूर करके जाएँ अच्छे से सो मूविंग हैड टू द राइटिंग टास्क टू तो इसमें हमारे पास आ सकते हैं टेबल बार एंड पाई तो इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं तो इन पर फोकस ज़्यादा करना एंड वी टॉक अबाउट द राइटिंग टास्क टू इसमें हमारे पास आ सकते हैं डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन एंड ओपिनियन बेस ऐसे एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे तो ये कैटेगरी आ सकती है तो इसको अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करें इस तो यहाँ पर कुछ मैंने टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किया जिसके रिगार्डिंग आपको ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए टॉपिक्स जो फर्स्ट टॉपिक है इज रिलेटेड टू क्राइम एंड पनिशमेंट तो इसके रिगार्डिंग जो एसेस होंगे उनको जरूर प्रैक्टिस करें और आइडियाज़ को जनरेट जरूर करें नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिगार्डिंग एजुकेशन तो एजुकेशन भी एक इम्पॉटेंट टॉपिक रहने वाला आपके लिए तो इसको भी ज़रूर कवर करें अपनी प्रपरेशन में नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया तो ये टेक्नोलॉजी वैसे बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो काफ़ी बार आयस में आता तो इसके रिगार्डिंग भी आप अच्छे प्रपरेशन करना जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगी तो उसको भी जरूर प्रिपेयर करना उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो टेक्नोलॉजी और मीडिया हो गया नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्ट्स तो आर्ट्स को भी ज़रूर कवर करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला आपके लिए एंड द लास्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो ये भी एक कॉमनली आज टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग काफ़ी बार ऐसे आता है एग्ज़ाम में तो इसको भी कवर ज़रूर करें और आइडियाज़ को जनरेट करें सो दैट्स आर फॉर द वीडियो गैस ये थे हमारे प्रडिक्शन फॉर ट्वेंटी ऑफ मे सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी सो बिफोर यू एक्सिड द वीडियो गैस प्लीज हेट द सब्सक्राइब बटन एंड डोट फर्ग टू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एवल एंड आई 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 विल कैच इन द नेक्स वन टिल दन टेक केयर एंड गुड लक फॉर द प्रेप्रेशन गैस थैंक यू